राजस्थान भरतपुर में एक पूज्य संत लगातार खनन के खिलाफ 500 दिनों तक धरना दिया। धरना के बाद उन्होंने सरकार के कार्य से क्षुब्ध होकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश किया और हॉस्पिटल में उनका देहांत हो जाना। राजस्थान सरकार शुरू से ही संतों के खिलाफ रही है, सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ रही है, लेकिन पूज्य संत खनन के खिलाफ इतना दिनों तक 500 दिन तक धरना दिया, लेकिन राजस्थान सरकार की कान तक जूं नहीं रहेगी और उस पर कार्रवाई नहीं किया। अंत में पूज्य संत को आत्महत्या करना पड़ गया। तो ये हत्यारी कांग्रेस सरकार और सोनिया एंटोनो माइनो और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो अलग प्रदेश में कुछ होता था तो दौड़ पड़ते थे, ये लोग कहाँ है, क्यों मौन साधे हैं, क्यों चुप हैं। तो ऐसी हत्यारी सरकार को वहाँ पर राज्यपाल महोदय को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए जिस माफिया के कारण पूज्य संत ने आत्महत्या किया।